नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इसमें मैंने पैकेज को एक्सप्लेन किया है। पहले हम पैकेज का स्पेसिफिकेशन देखेंगे, देन हम पैकेज की जो बॉडी बनाएंगे उसमें हमने एक प्रोसीजर कॉल किया है, एक फंक्शन कॉल किया है। प्रोसीजर एंड फंक्शन के द्वारा हमने एक टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया है एंड देन उसको डिस्प्ले करवाया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पैकेज स्पेसिफिकेशन क्रिएशन किया है उसमें देखिए, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज एबीसी। पैकेज का जो मैंने नाम लिया है वह है एबीसी। इस पर मैं इसके बाद में एक प्रोसीजर जो है उसको सेट रिकॉर्ड के नाम से यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने पी अंडर स्कोर ई एम पी अंडर स्कोर रैक इन ई एम पी परसेंट रो टाइप, ई एम पी टेबल से परसेंट रो टाइप के द्वारा मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इन मोड पर यह वर्क करेगा और यह एक पब्लिक वेरिएबल है। इसी तरीके से एक फंक्शन को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जिसका नाम है गेट रिकॉर्ड। यहाँ पर मैंने पी अंडर स्कोर ई एम पी अंडर स्कोर नंबर इन मोड पर एक न्यूमेरिक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है। यह जो है वह भी एक पब्लिक वेरिएबल है। मैंने एक और यहाँ पर वेरिएबल लिया है रिटर्न ई एम पी टेबल पर परसेंट रो के हिसाब से जो है वह वर्क करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमने स्पेसिफिकेशन जो बनाया है उसमें एक प्रोसीजर डिक्लेयर किया है और एक हमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर किया है। देन हमने यहाँ पर जो है वह अपने जो पैकेज का स्पेसिफिकेशन था या जो पैकेज का नाम था एबीसी, उसको एंड किया है। यहाँ पर हमारा स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होता है। देन उसके बाद जब हम पैकेज की बॉडी बनाएंगे तो पैकेज की बॉडी में हमने जो भी फंक्शन या प्रोसीजर बनाया था उसको हम यहाँ पर पूरा डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने अगेन जो बॉडी का नाम लिया है वह एबीसी है, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी एबीसी इज यहाँ पर कीवर्ड है। देन मैंने यहाँ पर एक प्रोसीजर लिया है सेट रिकॉर्ड। आपने ऊपर देखा था कि हमने जो प्रोसीजर बनाया था उसका नाम था सेट रिकॉर्ड और जो फंक्शन बनाया था वो गेट रिकॉर्ड के नाम से हमने यूज़ किया था। सेट रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ, प्रोसीजर में पी ई एम पी रैक इन, यहाँ पर मैंने अगेन ई एम पी टेबल से परसेंट रो टाइप पर यूज़ किया है। यहाँ पर जब मैं बिगिन सेक्शन में जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है। ई एम पी टेबल से जो वैल्यूज़ हैं हम उनको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, या ई एम पी टेबल से हम जिस रिकॉर्ड को गेट करेंगे उसके आधार पर हम यहाँ पर प्रोसीजर के थ्रू जो है वह हमारी टेबल पर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पर कमिट यूज़ किया है। कमिट जो है हम डी एम एल के ऊपर परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे डी एम एल को सेव करता है, या डी एम एल परफॉर्मेंस के बाद हमारे रिकॉर्ड्स को हमारी टेबल में सेव करता है। देन हमने यहाँ पर प्रोसीजर को एंड किया है। प्रोसीजर यहाँ पर एंड हो रहा है, प्रोसीजर का नाम है सेट रिकॉर्ड। फिर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है गेट रिकॉर्ड, इसमें पी ई एम पी अंडर स्कोर नंबर इन टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया है। रिटर्न कर रही हूँ मैं इसमें ई एम पी टेबल की रो टाइप वैल्यू, इस यहाँ पर कीवर्ड है वन ई एम पी अंडर स्कोर रैक, मैंने यहाँ पर आपको परसेंट टाइप के साथ में या परसेंट रो टाइप के साथ में ई एम पी टेबल से यूज़ किया है। बिगिन सेक्शन में हम एक सेलेक्ट क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार, हम इसका जो डेटा है वन अंडर स्कोर ई एम पी अंडर स्कोर रैक में डलवा रहे हैं फ्रॉम ई एम पी टेबल, वेयर ई एम पी अंडर स्कोर नंबर इज इक्वल्स टू पी अंडर स्कोर ई एम पी नंबर। पी अंडर स्कोर ई एम पी नंबर जो है वह हमारे फंक्शन में एक इन टाइप का वेरिएबल था, तो वहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वह गेट होगी। इस तरीके से हमने अपने फंक्शन में यहाँ पर वैल्यूज़ को यूज़ किया है। देन हम रिटर्न कर रहे हैं वन अंडर स्कोर ई एम पी रैक। फंक्शन जो है वो हमारी किसी भी वैल्यू को रिटर्न करता है जिसके आधार पर हम अपने प्रोसीजर में से वैल्यू इंसर्ट करवा पाएंगे। देन हमने लिया है, एंड किया है यहाँ पर गेट रिकॉर्ड का, फंक्शन को हमने यहाँ पर एंड किया है।
देन उसके बाद में हम बिगिन सेक्शन में जा रहे हैं और हमने वहाँ पर एक और DBMS लिया है जो कि सिंपली हमको ये बता रहा है कि हम अपने पैकेज में जाकर अब वर्क करने वाले हैं। यहाँ से हम अपना पैकेज जो है वह कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने पैकेज को कॉल करने के लिए एंड ABC लिखा है। यहाँ पर हम देखिए कि जब हम इस ब्लॉक में अपने डेटा को क्रिएट या इंसर्ट करना चाहते हैं या हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, तब आप देखिए कि यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने डिक्लेयर किया है 1 EMP रैक को EMP टेबल से परसेंट रो टाइप पर, देन 1 GET रिकॉर्ड को भी मैं EMP टेबल पर परसेंट रो टाइप के आधार पर यूज़ कर रही हूँ। बिगिन सेक्शन में मैंने सिंपल सा एक DBMS दिया है, DBMS_output.put_line, जो हम यहाँ पर एक डमी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड फ्रॉम EMP 1004। दैट मीन्स मैं यहाँ पर 1004 नाम के एक डेटा को लेना चाह रही हूँ जो कि मेरे फंक्शन के द्वारा यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए हमने नंबर, नेम, सैलरी एंड मैनेजर, इनको डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ डाली हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ABC.SetRecord, सेट रिकॉर्ड जो क्या था वह आपके प्रोसीजर का नाम था, हम यहाँ से सेट रिकॉर्ड को यूज़ कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पर DBMS लिखा है, सिंपल से हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स देना चाह रहे हैं जो कि डमी स्टेटमेंट है। तो हम लिख रहे हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड कॉलिंग गेट फंक्शन टू डिस्प्ले द इंसर्टेड रिकॉर्ड्स, मतलब ये हमारे डमी स्टेटमेंट्स हैं जो हमको बता रहे हैं या यूज़र को बताएंगे कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देन हम लेते हैं यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के लिए, फंक्शन कॉलिंग में जब हम यहाँ पर वैल्यू देंगे तो 1004 के हिसाब से हमारा जो डेटा है वह इंसर्ट में जाएगा। इंसर्ट के लिए हम जब यहाँ पर रिकॉर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने EMP टेबल से, देन उसके बाद में हमने सिंपली 4 DBMS आउटपुट लिए हैं जिसमें हम यहाँ पर रिकॉर्ड को जो है वह इंसर्ट करने के बाद में डिस्प्ले करवा रहे हैं। यह जो है यह हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि आपके एक बॉडी को डिक्लेयर कर रहा है पैकेज के, उसके स्पेसिफिकेशन को ले रहा है एंड देन यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वह आउटपुट को किस तरीके से डिस्प्ले करेगा वह देखिए। इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम न्यू 1004, जैसे ही हम ये देंगे हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे पैकेज की तरफ जाएगा। पैकेज में हम यहाँ पर पहले अपने फंक्शन के थ्रू वैल्यू डलवाएंगे, फंक्शन के थ्रू वैल्यू डलवाने पर हमने अपने प्रोसीजर को कॉल किया था, प्रोसीजर के थ्रू हम वैल्यू को यहाँ पर क्या कर रहे थे कि हमने वहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाया था, मतलब हमारी जो पैकेज की बॉडी थी उसमें देखिए प्रोसीजर जो था वह आपके वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहा है, फंक्शन जो है वह आपके एक वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा वेयर क्लॉज में यूज़ कर रहा है। जैसे ही हम कोई वैल्यू देते हैं फंक्शन जब कॉल होगा तो उस वैल्यू के आधार पर आपका प्रोसीजर कॉल होगा एंड प्रोसीजर के आधार पर आपका यहाँ पर इंसर्शन जो है वह होगा। और इस तरीके से हम जब इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो हम अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जब भी हम पैकेज बनाते हैं हमको सबसे पहले उसका स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना पड़ता है, स्पेसिफिकेशन को हम एंड करते हैं, देन उसके बाद हम उसका बॉडी बनाते हैं। बॉडी में हम जो भी फंक्शन, प्रोसीजर, एक्सेप्शन यूज़ करना चाहते हैं उनको हम यहाँ पर पूरा डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पर जो एक प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम अपने पैकेज को यूज़ करते हैं। पैकेज को यूज़ करने पर जैसे ही हम पैकेज में मूव होते हैं बॉडी के आधार पर जो भी फंक्शन, प्रोसीजर, एक्सेप्शन या कोई भी जो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स के आधार पर बनाया है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम अपना एक पैकेज यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं और हमने फंक्शन और प्रोसीजर को उसमें यूज़ किया है या एक पब्लिक वेरिएबल पे बनाया हुआ आपका पैकेज है। इस पैकेज को हम किसी भी अन्य प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं। तो पैकेज जो है वो एक प्रकार से हमारे डेटाबेस इंजन्स में स्टोर हो जाता है और जब भी हम उनको यूज़ करना चाहें हम उनको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।